आगामी 2019 लोकसभा चुनाव में होली त्यौहार को लेकर मसूरी पुलिस द्वारा फ्लैग मार्च कर शांति बनाए रखने की अपील की गई। साथ ही मतदाताओं को निर्भक होकर अपने मत का प्रयोग करने की भी अपील की गई। आगामी लोकसभा निर्वाचन के दृष्टिगत चुनाव सकुशल शांति और सुधार पूर्ण ढंग से संपन्न कराए जाने हेतु कैंपटी थाना अध्यक्ष कविता रानी ने एसएसपी टीरी के निर्देश पर पुलिस अधिकारियों के साथ अर्धसैनिक बल के जवानों ने कैंपटी बाजार होते हुए पर्यटक स्थल कैंपटी फॉल व संवेदनशील व अति संवेदनशील बूथों में फ्लैग मार्च किया। इस दौरान लोगों से शांति व्यवस्था बनाए रखने के साथ ही अधिक से अधिक मतदान करने की भी अपील की गई। थाना अध्यक्ष कविता रानी ने बताया कि जिला प्रशासन हर हाल में स्वतंत्र व निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि पुलिस फोर्स लोकसभा चुनाव के लिए पूरी तरीके से तैयार है। आज कैंपटी थाना क्षेत्र में पुलिस व एसएसपी द्वारा जो फ्लैग मार्च निकाला गया है, उसका ये संदेश है कि शांति व्यवस्था बनाए रखें और निर्भीक होकर बिना किसी दबाव के, बिना किसी लालच के, बिना किसी प्रेशर से आप वोट डालें। कोई भी आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आप जो है आराम से वोट दे सकते हैं। संवेदनशील अति संवेदनशील इलाके को हम लोगों ने पहले ही रेकी कर दिया है कि कौन से संवेदनशील है, कौन से अति संवेदनशील है, जहाँ पर हम हमारी पुलिस फोर्स बार बार जाकर, जहाँ पर शांति व्यवस्था होती है, बार बार जाकर जो वहाँ पर देख रही है, आसपास लोगों से बात कर रही है और जो है सुरक्षा की दृष्टि से जो है हर चीज़ हर पहलू को देख रही है। उसकी जो चुनाव आ रहा है उसमें जो फोर्स बाहर से फोर्स मंगवाई जा रही है, काफ़ी फोर्स आई है क्षेत्र में, प्रत्येक क्षेत्र में काफ़ी फोर्स आ रही है, बाहर से मंगवाई जा रही है। इसमें कोई मतलब सुरक्षा की कहीं कहीं से कमी नहीं रहेगी।